रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात नोट कर लीजिए। प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 11.1 का ही क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 8 होमवर्क दिया था, जो आपके पास बुक में कुछ इस तरह से लिखा है, टेन अल्फ़ा अपॉन कॉट अल्फ़ा इक्वल्स टू 1। इसमें जो है कुछ मिस्टेक है, आप इसकी करेक्शन बना लीजिए। ये राइट क्वेश्चन इस तरह से है, टेन अल्फ़ा इंटू कॉट अल्फ़ा इक्वल्स टू 1। ठीक है, आप जब इसे इस तरह से करेंगे प्रोडक्ट की फॉर्म में रख के, ये जब ही इक्वल टू 1 आएगा, अदरवाइज ये नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये नोट डाउन कर लीजिएगा ये क्वेश्चन। आज के लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। यूनिट 11, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मीन्स ट्राइंगल की मेजरमेंट, और इसमें हम राइट ट्राइंगल यूज कर रहे होते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा एक ग्रीक वर्ड है और ये एंगल के लिए शो किया जाता है। जनरली जब हम एंगल लिख रहे होते हैं तो हम थीटा मेंशन कर देते हैं। सेकंड है कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये रेसिप्रोकल है टेन का। सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और ये रेसिप्रोकल है कॉस का। कॉसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये रेसिप्रोकल है साइन थीटा का। ठीक है, आपको ये तमाम रेशियोज याद भी होने चाहिए और इनके रेसिप्रोकल्स का भी पता होना चाहिए कि कौन किसका रेसिप्रोकल है। आज के क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 4। इन द गिविंग राइट ट्राइंगल ए बी सी प्रूव द फॉलोइंग। इसमें भी आपके पास राइट ट्राइंगल गिविन है जिसका नाम है ए बी सी। देखें, जो कैपिटल लेटर से लिखा है ये इसका नाम है ए बी सी। जो ए के अपोजिट साइड है वो स्मॉल ए, जो B की अपोजिट साइड है वो स्मॉल B, और जो C की अपोजिट साइड है वो स्मॉल C। C हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है, राइट एंगल है, तो इसकी जो अपोजिट साइड है वो हाइपोटेन्यूज है। ठीक, और ट्राइंगल में जो राइट एंगल के अलावा बाकी के दो एंगल्स हैं वो एक्यूट एंगल्स हैं। ये आपके पास मस्ट है एक बार कि राइट ट्राइंगल में आपके पास 90 डिग्री के अलावा जो बाकी दोनों एंगल्स होते हैं वो एक्यूट एंगल्स होते हैं, इट मीन्स लेस देन 90 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पे जो दो एंगल्स मेंशन किए हैं एक्स और वाई से, ये दोनों एक्यूट एंगल्स हैं और ये हाइपोटेन्यूज आपके पास फिक्स है। क्वेश्चन देख लेते हैं। पार्ट 1, साइन एक्स इक्वल्स टू कॉस वाई। हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। साइन एक्स, पहले तो क्वेश्चन कॉपी कर लेंगे। साइन एक्स इक्वल्स टू कॉस y। अब इनके हम रेशियो लिखेंगे। साइन का रेशियो क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस का रेशियो क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब वैल्यूज पुट करनी है अकॉर्डिंग टू एंगल। हाइपोटेन्यूज की वैल्यूज तो फिक्स रहेंगी, हाइपोटेन्यूज फिक्स है 34, यहाँ 34 पुट कर लेंगे। अब परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू पुट करने से पहले हमें एंगल देखने होंगे। परपेंडिकुलर हमारा एंगल होगा x के अकॉर्डिंग। डायग्राम में देखिए, x के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर है 30 लिखेंगे, और बेस हमें देखना है y के अकॉर्डिंग। अब y के अकॉर्डिंग बेस क्या है? फिगर में देखिए, y के एडजेसेंट साइड ये है और हमारे पास बेस हुआ 30। अब देखिए, यहाँ पे भी ये रेशियोज सेम आ रहे हैं, लेकिन हम इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। 2 के टेबल से हो रहा है क्योंकि यहाँ पे दोनों में इवन नंबर है। 215 जा 30, 217 जा 34, 2 1 जा 2, 1 इधर 2 7 जा 40। ये भी ऐसे होगा 215 जा 30, 217 जा 34। तो 15 अपॉन 17 इक्वल्स टू 15 अपॉन 17। दस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ। ओके स्टूडेंट्स, बहुत इजी क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। टेन वाई इक्वल्स टू कॉट एक्स। पहले तो क्वेश्चन कॉपी करेंगे। टेन वाई इक्वल्स टू कॉट एक्स। अब रेशो देखेंगे। टेन का रेशो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट का कॉट टेन का ही रेसिप्रोकल है, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर।
अब हमें इसकी वैल्यूज पुट करनी है, वही बात के एंगल के अकॉर्डिंग होगी। यहाँ पे इन दोनों की वैल्यूज y के अकॉर्डिंग पुट होगी, तो y के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर है 16, ये होगा 16, और y के अकॉर्डिंग बेस है 30, क्योंकि इसकी एडजेसेंट साइड है, 30 इसकी बेस है। अब आगे हमारे पास है cot x, तो cot में x के अकॉर्डिंग ये होगी बेस और ये होगी परपेंडिकुलर, इट मीन 16 अपॉन 30। देखिए यहाँ पे सेम ही आ रहा है, कैंसिलेशन कर लेंगे, 2 8 16, 2 15 30, 2 8 16, 15 30, तो 8 अपॉन 15 इक्वल्स टू 8 अपॉन 15। दिस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूव। ओके स्टूडेंट्स, दो पार्ट कर लिए हैं, फर्दर देख लेते हैं। थर्ड पार्ट है sec x इक्वल टू cos y, पहले क्वेश्चन कॉपी कर लिया, sec x इक्वल टू cos y, sec का रेशियो है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस इक्वल टू cos का है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, वैल्यूज पुट करनी है, हाइपोटेन्यूस की तो फिक्स है कि 34 इक्वल्स टू, यहां पे भी हाइपोटेन्यूस है तो 34, x के अकॉर्डिंग बेस की वैल्यू क्या होगी, x के अकॉर्डिंग बेस है 16, तो यहाँ 16 पुट कर दिया, और y के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है, y के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर इसके अपोजिट साइड है तो ये परपेंडिकुलर है 16, यहाँ पे 16, आपकी वैल्यू इसी जगह पे इक्वल आ जानी चाहिए, ठीक, जब भी हमारे पास आगे सिंप्लीफाई के बाद तो सेम रहेगी। कैंसिलेशन की हमने 2 17 जा 34 और 2 8 जा 16, यहाँ पे भी इसी तरह से कैंसिलेशन होगी, तो 17 अपॉन 8, दस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ। तो हमने थर्ड पार्ट में प्रूफ कर लिया कि sec x इक्वल टू cos y इक्वल ही है, ठीक। अब आगे आते हैं फोर्थ पार्ट पे, cos x इक्वल टू sin y, पहले क्वेश्चन कॉपी किया, cos x इक्वल टू sin y, cos का रेशियो है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस इक्वल टू sin का है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, वैल्यूज पुट करेंगे, x के अकॉर्डिंग बेस क्या है, x की एडजेसेंट साइड ये है तो ये बेस हुई 16 और हाइपोटेन्यूस 34 है, इक्वल्स टू y के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है, y का अपोजिट साइड ये है तो ये 16 परपेंडिकुलर हुआ और ये अपॉन 34, 16 अपॉन 34, दोनों तरफ सेम वैल्यूज आ रही है, इट मीन्स हमारा ये भी इक्वल रहेगा सिंप्लीफिकेशन के बाद भी, तो 2 8 16 और 2 17 34, इसी तरह यहाँ पे कैंसिलेशन हुई, 8 अपॉन 17, 10 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये पार्ट भी हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। चार पार्ट्स हमने सॉल्व करके देख लिए हैं, अब मजीद इसके दो पार्ट्स रहते हैं, पार्ट 5 और पार्ट 6, वो आप लोगों को मैं होमवर्क दे रही हूँ, डायरी देख लीजिए, डू कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 5 एंड 6 ऑफ एक्सरसाइज 11.1। कुछ भी इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, सेम इसी तरह होंगे जैसे बाकी के 4 पार्ट हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आज का लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।